गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस स्कूल और मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आरबीएससी बोर्ड की 12th मैथ्स का सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, उसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और इसमें सभी बेसिक बातें अपनी हो चुकी है और फिर भी मेरी हैबिट है रिपीट करने की। तो सबसे पहली बात हुई थी अपनी कि साइन इनवर्स एक दिमाग में थीटा चमक जाना चाहिए कि एक्स जो है वो एक वैल्यू होती है और इक्वल टू थीटा मिलता है। दूसरी बात हुई थी कि तीन फंक्शन जो होते हैं अपने पास वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक प्ले करते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है एंड कोसेक इनवर्स एक्स होता है। रिमेनिंग जो तीन फंक्शन है बाकी के कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स, वो प्ले करेंगे आपके जीरो टू पाई। इसके बाद में यहां तक इस कॉन्सेप्ट से अपन को 1 मार्क्स मिलता है, फिर बाकी का जो क्वेश्चन बनता है वो 3 मार्क्स का बनता है। और उसके लिए बेसिक फॉर्मूले अपन ने सारे पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला उम्मीद आपको याद हो गया होगा। साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स दोनों मल्टीपल में एक्स वाई माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई है। टू थीटा फॉर्म में आपको टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, जो कि क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में थ्री थीटा फॉर्म है जिसमें थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स एंड थ्री टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में लर्न होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स में अगर माइनस दिख जाता है तो माइनस ही रहता है, बट कॉस में अगर माइनस एक्स होता हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। उसके बाद में अपने प्रूफ वाले क्वेश्चन किए और अपन बात कर रहे हैं अपन आज सॉल्व वाले क्वेश्चन। तो जब भी एग्जाम में लिखा हो जाए सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, तो सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 3। आज ये वाला क्वेश्चन जो है वो आरबीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था 19 के अंदर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले sec का कोई फॉर्मूला हमें आता नहीं, तो अपन सेक में कॉस दिखता है या बिल्कुल दिखता है सर, तो इसको कॉस इनवर्स लिखते हैं, इसको पलटी हिला दो तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन एक्स, इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स, चेंज करते क्या हो जाएगा बी अपॉन एक्स, इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन बी माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन ए। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई? अपन ने क्या किया, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज करने का कॉन्सेप्ट यूज किया। और खास बात ये थी कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी था, इसमें सेक और कॉस में अपन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, एक रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे सेक इनवर्स है तो कॉस इनवर्स कितने, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, राइट? अभी सेम यही काम हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप ये घर पे करके देख सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो फाइनली अपन क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। दिमाग भी आपको कब लगाना है, जब आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स दो व्यक्तियों का आपस में मल्टीपल होता है माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को सही तरह से देख रहे हो तो यहाँ पे एक्स वाई दो का प्रोडक्ट है। सोचा अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ तो मुझे ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा। लेकिन अगर कल को ए अपॉन एक्स का पार्टनर अगर बच्चा वन अपॉन ए ले लेगा तो उसे क्या बेनिफिट मिलेगा? उसे ये बेनिफिट मिलेगा कि ए अपॉन एक्स और वन अपॉन ए मल्टीपल होने से ए से ही कैंसिल होगा। तो कुछ तो कैंसिल होगा, क्योंकि सॉल्व का मतलब होता है कि जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना ही खूबसूरत आपका आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो a अपॉन x के साथ में आप ले लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा प्लस cos इनवर्स वन अपॉन, उम्मीद आप समझ गए होंगे क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा
तो ए से ही कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा तो कैलकुलेशन इजी होगी। इस माइनस वाली पार्टी को गुजर लेगा तो ये दोनों काम हो गया जल्दी, बी से भी कैंसिल हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। तो तक आपको दूरदर्शी बनना है, यहां से ये चीजें सब आएगी तब प्रैक्टिस करोगे आप। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स अपनी जगह पे है, दोनों का प्रोडक्ट तो देखो दोनों का प्रोडक्ट से ए से ही कैंसिल हो गया तो ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन तो बेनिफिट मिला और बेनिफिट मिलेगा माइनस वन माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस इसका स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर राइट है नी। इधर हो गया आपके पास कॉस इनवर्स वही दोनों का प्रोडक्ट वन अपॉन बी बी अपॉन एक्स और वही माइनस वही इसका स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर और इधर वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला यूज किया, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ तो इधर वन अपॉन एक्स रह गया वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर उधर बी से भी कैंसिल हुआ वन अपॉन एक्स हो गया वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां तक पहुंच गए भाई। दूसरी बात ये भी बेनिफिट हुआ कि वन अपॉन एक्स अगेन वन अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और रूट का बढ़िया इलाज क्या है, दोनों साइड का कर दो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू। तो देखिए इतने मार्क्स का क्वेश्चन था जो 19 के अंदर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब यहां से बेसिक मैथमेटिक्स आपकी मल्टीप्लाई करो, आप वन को इससे मल्टीपल करेंगे तो देखो वैसे ही लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो वैसे ही लिखा जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इधर वन से मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज लिखा जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन वन अपॉन एक्स स्क्वायर से वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन से भी वन कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली अपने पास आएगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उस साइड आ रहा है अपने पास माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस नहीं माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर राइट है। अब अपन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक्साइड कर लो, इसको एक्साइड किया तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव वाली पार्टी उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर यहां से कुछ एलसीएम एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर से भी एलसीएम मिल गया अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लिया ये दोनों कैंसिल आउट हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये ऊपर का दोनों मैच खा गए तो फाइनली मेरे पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक्स इक्वल्स टू आ गया ए बी और आगे प्लस माइनस तो ये एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बी। तो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन वापस देख लो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी सेक इनवर्स बी और माइनस सेक इनवर्स ए। तो सबसे पहले इसका कोई फॉर्मूला आता नहीं तो कॉस में गड़बड़ कर लिया, इसके बाद में दिमाग लगाना थोड़ा सा डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, पहले थोड़ा सा सोचना कि इन दोनों का फॉर्मूला आपको बताएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट होंगे। सोचा अगर ये दोनों मल्टीपल होंगे तो कोई कैलकुलेशन कोई इतनी कोई खास तो हो नहीं रही, लेकिन अगर मैं इन दोनों को यूज करूं तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है ऐसे ही कैंसिल हो रहा है और इन दोनों को यूज करूं तो बी से बी कैंसिल हो रहा है, बस ये इतना सा काम करना है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिखा, फॉर्मूला यूज किया कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, बाद में ऐसे कैंसिल होने के लिए तो ये अपन ने यूज किया था, बाद में वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया रूट में है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया और यहां से आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है जो कैंसिल हो रहे वो कैंसिल हो गए और कंपेयर कर लिया तो फाइनली एक्स इक्वल्स टू आ गया आपके पास प्लस माइनस ए बी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में भी राइट डाउन करें। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
cos inverse x square minus 1, segregation and cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1 plus tan inverse 2x x square minus 1 equals to 2 pi by 3. राइट है। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे को क्लियर करता है कि अगर मैं कर्व को एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला कॉस टू थीटा का टेन फॉर्मूला जानते हो क्या आप? बिल्कुल जानते हैं साहब। क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बहुत सारे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं, इसलिए धोखेबाज क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि फाइनली जब आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट करते हो तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। नीचे वाला तो फिर भी सही है, ऊपर देखो प्लस माइनस की मिस्टेक है। लेकिन इसको देखने के बाद में जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी याद होता है वो भी अपन भूल जाता है। इसलिए पहले अगर आपको फॉर्मूला पता तो पहले आप फॉर्मूला लिख लें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ यार इनमें दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ का नाम क्या है? माइनस। सेम गड़बड़ी उधर है। टेन टू थीटा का टेन की जो फॉर्म होती है वो होती है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेम स्टोरी है। अगर आपको हवा ही नहीं लगेगी अगर आपने फॉर्मूला यहाँ से बनाना सीखा तो, क्योंकि अगर टू टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद है तो फॉर्मूला ऐसा नहीं, ऐसा होता है। टू टेन थीटा तो देखो कॉमन है, यहाँ पे भी प्लस माइनस की ही मिस्टेक है। मतलब जो माइनस में है वो प्लस है और जो प्लस है वो माइनस है। तो बस इसी चीज को आपको सही करना है। तो इसी चीज को सही करने के लिए अपनी स्टोरी क्या है कि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया था तो माइनस देखो कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा आपको दिखाना चाह रहा है। तो ये दिख जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी सबसे पहली और लर्निंग स्टेप है, आप इसको जरूर फॉलो करें। सेकेंड वही सेम स्टोरी है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको फॉर्मूला राइट करने के लिए। तो माइनस इसका भी कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी स्टोरी में जो सबसे समझदारी का काम है कि बच्चा फिर सेकंड स्टेप में भी लर्निंग है। तो दो स्टेप ऐसी है जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से माइनस आउट ले लेते हैं, यहाँ से भी माइनस यहाँ ले लेते हैं। यहाँ का मैंने माइनस तो अब यहाँ लेने का एक तरह से तुक्का आपका सही लग जाएगा, बट यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स में अगर कल को नेगेटिव आ जाता है तो दुनिया वाले उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो फाइनली आपको भी क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। और जहां एक से वहां पे क्या लेट किया है टेन थीटा, ये बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन इनवर्स। ये अच्छा यहाँ का माइनस बिल्कुल आप इजी में यहाँ बाहर आ जाता है, ये आपके पास हो गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब ये राइट फॉर्मूले बने, अगर आप पहले से डायरेक्ट अटैक कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अक्सर पूछा जाता है मोड के अंदर। तो यू कैन पाई ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला मैंने बनाया है? कॉस टू थीटा का। और टेन इनवर्स अपनी जगह पे ये किसका फॉर्मूला बन गया? टेन टू थीटा का। तो देखो यहाँ पे पाई अपनी जगह पे, ये अपनी जगह, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, टू थीटा आ गया, उधर भी टू थीटा आ गया। इक्वल टू सभी जगह इक्वल टू जो है वो क्वेश्चन के अंदर साथ में चल रहा है, टू पाई बाई अपॉन थ्री, टू पाई बाई थ्री। तो सब जगह क्या चल रहा है? टू पाई बाई थ्री। इक्वल टू चल रहा है टू पाई बाई थ्री। माइनस के फोर डीटा हो गए, माइनस के फोर डीटा इक्वल टू हो गया टू पाई बाई थ्री माइनस फाइव, है ना। तो माइनस के फोर डीटा अपनी जगह पे थ्री वी एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा टू पाई माइनस थ्री पाई। तो फाइनली माइनस के पाई बाई थ्री चमक के इधर हो गया माइनस के फोर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, थीटा ही क्लोज हो गया पाई बाई अकाउंट टू वाला। क्या आंसर आ रहा है? पाई अकाउंट टू वाला। अच्छा पूरी स्टोरी में जो लेट करते हैं उसको लास्ट में खत्म भी करते हैं मैथमेटिक्स का एजेंसी रूल। तो थीटा ही होगी यहाँ पे जो भी लेट किया था, यहाँ से क्या मिल गया टेन इनवर्स एक्स। तो जहां थीटा है वहां पे मैं क्या लेट करते तो वापस है टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू वाला। और मैंने आपको बताया बेसिक में कि सॉल्व का मतलब ही क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स की, क्योंकि आपके पास एक्स निकला है या नहीं निकला अभी तक, तो जहां एक्स है वहां पे कल को टेन को साइड में जाओ तो अपने पास में आ गया टेन
फाइव बाई ट्वेल्व, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपको आंसर शीट में मिल जाएगा। लेकिन अगर कल को आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हो है ना, तो टेन पाई बाई अपॉन ट्वेल्व, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो एक तरह से देखा जाए तो 10 15 आ गया। आप 180 को 12 से डिवाइड कर लो 15 आ जाएगा, और 10 15 की मेरी उम्मीद है आपको निकालनी आती होगी। बचपन में कुछ सीखा था मैंने, 45 माइनस 30 और ये हो गया आपका 10 ए माइनस 10 बी, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और नीचे वही दोनों का मल्टीपल 1/√3, तो फाइनली √3 -1√3+। अगर कल को कोई कॉम्पिटिशन दे रहा है ग्रुप बाई ग्रुप एनडी का, तो वहां पे ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, बट अभी तो आपके लिए एग्जाम बोर्ड एग्जाम है। आप 10 π/12 भी लिखते हो तो भी राइट है। इसको वापस से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि उस टाइम को लेकर बहुत चांसेस है, तो आप इसको नाम दे सकते हो कि बिल्कुल धोखेबाज क्वेश्चन आपका। cos इनवर्स x² - 1 x² + 1 + 10 इनवर्स 2 x² - 1 = 2π/3। तो आपको क्या करना है, यूजुअली तो अपन cos इनवर्स इधर है तो अपन को पता है कि मुझे यहाँ पे भी cos लेना है ताकि दोनों कैंसिल हो जाओ, तो उसके लिए 10 थीटा लेट कर लिया क्योंकि 10² θ - 1 10² θ+1। अगर कल को सोच रहे हो cos 2 थीटा होता है तो बच्चा कई बार ऐसा कर देता है, जबकि फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 - 10² θ 1 + 10² θ का फॉर्मूला होता है, जब भी आप थोड़ा सा माइनस की मिस्टेक है, उस माइनस की मिस्टेक को दूर करने के लिए माइनस को मैं लेना, इधर भी माइनस की मिस्टेक है। अब आप बिल्कुल इजी वे में फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, लेकिन फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि माइनस डायरेक्टली यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, कैसे फॉर्म में आएगा π - cos 1 x, और इधर भी वही सेम स्टोरी, यहाँ का माइनस डायरेक्ट आ जाएगा है ना। बेसिक में 10θ लेट करते ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के 4θ आ जाएगा, पाई अगर ट्रांसफर कर देना तो फाइनल आंसर हो जाएगा π/√2। और पूरी स्टोरी में थीटा कौन था, पूरी स्टोरी में थीटा था 10 इनवर्स, जो 10 इधर ट्रांसफर हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा 10π/√2। आप इतना सोच सकते हो पूरे एग्जाम कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो आपको ऑप्शन हो सकता है ये भी मिले √3 - 1 √3+। तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको बताया, और कल डिस्कस करेंगे अपन। थैंक यू, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।